ऑडिबल गाइस क्या मैं आपको अच्छे से दिखाई और बढ़िया सुनाई दे रहा हूं प्लीज हेमंत एम प्रॉपर ओके गाइस वंस अ मिनट One forty two students are watching, and fifty four thumbs ups is looking. Why is Tony Okay. सर आप इतने दिन से कहाँ थे क्या बात कर रहे हो पिछले तीन चार दिन से लेक्चर ले रहा हूँ आप पहली बार देख रहे हो क्या मैं बता देता हूँ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो काफ़ी दिनों के बाद सो मैं अपने विलेज गया था कुछ काम से वेरी गुड इवनिंग गाइस यस लास्ट मिनट टिप्स देंगे आपका सर आज अच्छे लेंगे हम इस चैप्टर की ओके श्रुति थैंक यू मेरी भाषा सब बच्चे बोलने लगे हैं क्या बात है ठोको हाँ। यार ठोको स्टार्ट कर लेक्चर आज का बहुत प्यारा सा सेशन है चैप्टर बहुत सा छोटा है बहुत छोटा चैप्टर है चैप्टर बहुत बहुत चिरकुट यार एकदम चिरकुट चैप्टर है स्टार्ट करें Let's start guys, let's start. जाओ जो-जो नया लेक्चर में ज्वाइन हो रहा है, है आज का प्यारा है किस सा सा? हमारा। मतलब लाइट को रेडिएशन भी कहते हैं तो आपके बुक में रेडिएशन करके होगा तो रेडिएशन का मतलब होता है लाइट सो दिस इज द चैप्टर क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स बेस्ट हैंड रिटर्न नोट मेड बाय फॉर यू सबसे पहले हम किसी बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट बच्चा पार्टी सबसे पहले आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बातें करने वाले हैं ठीक है सो फर्स्ट विच सी द बेसिक थिंग्स तो बेसिक्स से स्टार्ट करते लेक्चर्स लास्ट टाइम मैं आपका चैट देख लेता हूं उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक यू आर वी गेमर इवन माय फैमिली इंजॉय योर लेक्चर क्या बात करो थैंक यू बेटा दुआ में याद रखना हर हर महादेव थैंक यू बच्चों Okay, guys. Thank you, guys. Thank you. Okay, okay. Let's start. So, guys, now I'm going to write and start the lecture. एक सेकेंड हथियार लेके आते हैं बिकॉज यहां मार्कर नहीं दिख रहे हैं ओके okay. डोर बंद कर दो भाई सारा नाउ भाई आई एम रेडी हो गया ड्वेल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर स्टार्ट करते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट पहले हम इस चैप्टर को एक छोटे से कंसेप्ट में पढ़ सकते हैं बेटा कि ड्वेल नेचर का मतलब क्या होता है तो डवेल नेचर ऑफ लाइट लाइट जो होता है बेटा लाइट जो होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होता है एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर इसके दो नेचर होते हैं एक पार्टिकल एक होता है वेव नेचर इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं अपन इन्हीं के दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बेटा अपन डुवेल नेचर कहते हैं क्या कहते हैं डुवेल नेचर तो डुअल नेचर कौन कौन से है एक पार्टिकल नेचर है बेटा और एक है वेव नेचर इन्हीं के कॉम्बिनेशन को कहते हैं डुवेल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं डुवेल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर अगला क्या बेटा मैटर तो हमें मैटर के बारे में भी स्टडी करना है कि क्या मैटर इज अ फॉर्म ऑफ वेव हमें एक चीज तो पता है वी नो वन थिंग वी नो वन थिंग कि मैटर हमें एक चीज पता है बच्चों क्या पता है आपको मैटर इज पार्टिकल यह हमें पता है मैटर जो होता है पार्टिकल होता है क्योंकि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से ही बना हुआ है ये तो हमें सबको पता है वी ऑल नो दैट राइट कोई डाउट नहीं मैटर क्या होता है एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव सम मासेस इज कॉल्ड मैटर मैटर के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है शुरुआत के लेक्चर्स में और ये हमें पता है जो मैटर होता है बेटा मैटर इज मेड अप मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मैटर पार्टिकल से बनता है तो ये तो हमें पता है कि मैटर पार्टिकल है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या क्या मैटर वेव है हमें यह पता है क्या पता है कि मैटर इज अ पार्टिकल लेकिन क्या हमें यह पता है कि मैटर वेव है तो इस चैप्टर में हम वह जानने वाले हैं कि मैटर वेव है तो कैसे है ठीक है इस तो यह चैप्टर का जो हमारा मोरल है चैप्टर क्या बोलता है डुवेल चैप्टर बोलता है बेटा डुवेल नेचर डुवेल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर ठीक है तो हमें क्या करना है लाइट देखो डुअल नेचर ऑफ लाइट लाइट और मैटर के बारे में पढ़ना है तो जो लाइट होता है बेटा उसका डुवेल नेचर तो सबको पता है एक क्या होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर वैसे ही मैटर का भी क्या होता है दो दो नेचर होते हैं दो डुवेल नेचर हैं। एक है पार्टिकल नेचर और एक होगा वेव नेचर इन दोनों का ड्यूअल नेचर है ठीक है और दोनों के ड्यूअल नेचर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लाइट में छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल नेचर हो गया और वो पार्टिकल जब प्रोपोगेट होते हैं जब स्कैटर होते हैं तो किस फॉर्म में चलते हैं वेव के फॉर्म में तो ये दोनों डाउट आपको क्लियर हो गया मैटर पे आ जाइए मैटर किससे बनता है पार्टिकल से बनता है मैं क्या हूं मैटर हूं आप क्या है मैटर है ये मार्कर क्या है मैटर है हमारे अगल बगल जो हवा है मैटर है ये कपड़ा क्या है मैटर है ये वॉच क्या है मैटर है एवरीथिंग इज सराउंड इन द यूनिवर्स मैटर विच है अगल बगल आजू बाजू निचू है वो सब मैटर है अगर वो दिखाई दे रहा है तो मैटर है और जो नहीं दिखाई दे सकती एयर एयर दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर फील होता है उसके पास मास होता है ना होता है कि नहीं होता है स्पेस ऑक्यूपाई करने में तो वो भी मैटर कहलाएगा तो बेटा आपको पता है जो भी चीजें हमारे अगल बगल सॉलिड में लिक्विड में या गैस में दिखाई देती है वो मैटर है हम लोग सॉलिड में तुम तो भी मैटर ही है ये सुनो और हम सब किससे बने होते हैं पार्टिकल से बने हैं वी आर आर वी आर ऑल मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हम सब के सब पार्टिकल से बने हुए हैं तो मैटर की एक कहानी पता है कि हम पार्टिकल्स हैं मैटर इज है अ पार्टिकल लेकिन शायद ये आपको नहीं पता था कि मैटर वेव होता है जी हाँ आज से पता होना चाहिए आपको कि मैटर वेव भी होता है क्या मैं वेव हूं सर मतलब आप वेव हो क्या सर मतलब मैं मैं भी मैटर हूं सर मैं वेव हूं क्या सर ये भी मैटर ये भी वेव है क्या सर ये वास्तु मैटर है तो ये भी वेव है क्या हा क्या बात कर रहे हो सर वेव कैसे हो गया वेव होना चाहिए तो वो मूव करना चाहिए बात तो सही कह रहे हो मूव करना चाहिए बताऊंगा आपके हर डाउट का मैं जवाब दूंगा आई विल एंसर ऑल योर सबका जवाब मिलेगा चुन चुन के मिलेगा तो फर्स्टली ये क्लियर होना चाहिए बड़ा कि मैटर भी वेव होता है ठीक है आपने सुना होगा मैटर वेव ठीक है वेव मैटर या वेव मैटर वेव, तो मैटर मैटर तो भी वेव होता है सर ये किसने बताया था कि मैटर वेव होता है तो ये बताया था डी ब्रॉगली ने किसने बताया था डी किसने कंफर्म किया था डी ब्रोगली ने डी ब्रॉगली कौन थे साइंटिस्ट थे उन्होंने कंफर्म किया था कि डी मतलब वेव क्या होता है मैटर होता है समझा बेटा तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है हमें यह पढ़ना है कि लाइट पार्टिकल वेव नेचर दिखाता है वैसे ही मैटर भी पार्टिकल और वेव नेचर दिखाता है उन्हीं का कैसे कैसे उनका प्रॉपर्टी है कैसे फंक्शन है उसका थोड़ा डिटेलिंग करना है चैप्टर बहुत छोटा सा है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं द चैप्टर इज वेरी चिरकुल तो क्योंकि स्टार्ट करते हैं लाइट के साथ मैटर तो सबको पता है एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस हैव सम मासेस कॉल मैटर राइट लाइट ये भी आपको पता है लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको लाइट क्या होता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मेक द थिंग्स विजिबल लाइट को हम लोग क्या कहते हैं रेडिएशन भी कहते हैं ध्यान दीजिएगा लाइट को रेडिएशन भी कहते हैं लाइट इज अ रेडिएशन जैसे अजय सर को अज्जू सर भी कहते हैं वैसे लाइट को रेडिएशन भी कहते हैं और कौन सा रेडिएशन होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्योंकि लाइट में दो प्रॉपर्टी पाया जाता है इन लाइट देर आर टू प्रॉपर्टीज वन इज इलेक्ट्रिक एंड वन इज मैग्नेटिक टूगेदरली वी वी कैन कॉल दिस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सो दैट इज द रीजन वी कॉल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक समझा आपको सो दिस थिंग इज शूड क्लियर दैट लाइट में दो प्रॉपर्टी रहता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का ये किसने बताया था मैक्सवेल अंकल ने बताया था ठीक है किसने बताया था यह मेरा मैक्सवेल अंकल ने ठीक है तो मैक्सिवल अंकल ने बहुत पहले बताया था और इससे क्या होता है विच मेक्स द थिंग्स जिससे आप किसी किसी भी चीज को क्या कर सकते हो देख सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट क्या होता है एनर्जी का फॉर्म है सबको पता है द नेचर ऑफ प्रोपेशन ऑफ लाइट इज ट्रांसफर्स जब लाइट मूव करता है तो किस फॉर्म में मूव करता है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में मूव करता है ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव जो होता है ऐसा होता है ऐसा खच 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 खचे लाइक दिस तो ऐसे 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 मूव करता है कौन लाइट ठीक है बेटा तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रमन इफेक्ट ये सब लाइट के एक इफेक्ट्स है जो पाए जाते हैं यस ना गाइस पानी ठीक है तो ये सब चीजें इसमें क्या होते पाए जाते हैं नॉर्मल तो लाइट में क्या क्या होता है बेटा लाइट में रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन होता है डायफ्रेक्शन होता, होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है रमन इफेक्ट 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 होता होता है है कॉम्पटन दुनिया भर के स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल एस कॉर्पकल लाइट में छोटे छुड़ छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं कॉर्पस्कल्स कहते हैं इस किसने बताया था अंकल ने बताया था अंकल का नाम क्या है न्यूटन अंकल ने बताया था कि कॉर्पस्कल्स पाए जाते हैं लाइट के अंदर कॉर्पस्कल मतलब स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ठीक है बेसिक बातें बता रहा हूं द ऑफ छोटे छोटे जब ग्रुप में आ जाते हैं ठीक है जब कॉर्पस्कल्स ग्रुप में आ जाते हैं पैकेट के फॉर्म में ठीक है तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा फोटोन कहते हैं क्या कहते हैं बेटा फोटोन में जहां पे झुंड ऑफ झुंड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं झुंड ऑफ ठीक है जहां पे बड़ा झुंड ऑफ झुंड पाए जाते हैं झुंड ऑफ किसका स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स में क्या होता है एनर्जी होता है वैसे कोई आम आम एनर्जी नहीं होते बड़ी खास एनर्जी होते है पार्टिकल्स पार्टिकल्स नहीं है वो छोटे छोटे पार्टिकल रहते बड़ा लेकिन उसके अंदर बहुत एनर्जी रहता है और जब साथ में आ जाते हैं तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं फोटोन एनर्जी कहते हैं जिसका पावर हाउस ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल्स तो झुंड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल वोट फोटोन फोटोन बनता है फोटोन में दुनिया भर के लाइट पार्टिकल्स रहते हैं ये ध्यान आपको पता होना चाहिए ठीक है एनर्जी के फॉर्म में चलो आगे आ जाओ फोटोन इज अ देखो ये आपको समझने के लिए एग्जाम में मतलब बताया झुंड लिख के आना है झुंड मतलब जिस आपके लिए है समझने के लिए सर एग्जाम में लिखना तो क्या लिखूंगा लिख देना द ग्रुप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल फोटोन सर ग्रुप नहीं याद है तो क्या लिखूंगा द दैकेट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल फोटोन अब भाई इतना अंग्रेजी तो लिख ही सकते हो ये मैंने आपको हंसने के लिए बता दिया थोड़ा हंस भी लो, समझ भी लोगे पढ़ाई करो हंसते हंसते ठीक है इसमें मैंने झुंड लिख दिया झुंड में ठीक है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो भंडार ऑफ मतलब दुनिया भर का जब दुनिया भर के टाइनी पार्टिकल साथ में आते तो फोटोन बन जाता है और ठीक है फोटोन क्या होता है अ पावर हाउस ऑफ लाइट एनर्जी अच्छा फोटोन में क्या होता है दुनिया भर का एनर्जी रहता है क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास खुद का एनर्जी होता है अगर दुनिया भर के पार्टिकल एक साथ में आ जाते हैं तो भाई द ग्रेट एनर्जी बन जाता है मतलब लाइट एनर्जी दुनिया भर का बन जाता है ठीक है ओके फोटोन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है दिस इज द फॉर्मूला ई इक्वल टू एच न्यूक्वल टू एच नमूला होता है इसको याद कर डाला तो फोटोन को भाई मजा ले डाला ठीक हो तो ये e क्या होता है एनर्जी होता है एच क्या होता है प्लैंक्स होता है और न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है ये आपका एनर्जी है कौन सा एनर्जी भैया फोटोन एनर्जी एच क्या है ये प्लैंक्स हैं प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट हैं सर ये फोटोन के बारे में डिस्कवरी किसने किया था प्लैंक्स क्वांटम ने किया था प्लैंक्स ने किया था ठीक है प्लैंक्स साइंटिस्ट थे ये क्या बेटा फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ठीक है बेटा ये फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी कांस्टेंट और ये आपका फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से आप फोटोन एनर्जी को क्या कर सकते हो निकाल सकते हो ठीक तो है अभी तक हम लोग बस बेसिक बातें कर रहे थे ठीक है बेसिक बातें लाइट के बारे में मैटर के बारे में मैटर क्या होता है वो हर चीज मैटर होता, होता है जिसके पास कुछ मास होता है ठीक है और वो स्पेस क्या करता है ऑक्यूपाई करता है लाइट क्या होता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं लाइट जब चलता है तो ट्रांसवर्स इन नेचर के फॉर्म में चलता है लाइट अपने थ्री इंटू टेन द पावर एट मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नेचर में चलता है और इसकी अच्छी बात यह है कि लाइट uh, में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन करने की क्षमता होती, होती, होती है लाइट में इंटरफेरेंस करने की क्षमता होती है रेफ्रैक्शन करने की क्षमता होती है यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो करता है इफेक्ट को भी शो करता है बहुत सी चीजें इसको शो करता है ठीक है और भी हमने चीजें पढ़ा है सर लाइट के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा है कि और लाइट जो होता है ठीक है वो आ, हमारे आसपास कैसे वैरी करता है ठीक है स्कैटरिंग के फॉर्म में वैरिंग करता है वो स्कैटर करता रहता है फैलता रहता है जो हम पे हमें दिखाई देता है ठीक है चलो ये सब चीजें हो गया अच्छा एक चीज और बता देता हूँ लाइट में स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल भी पाए जाते हैं ये किसके डिस्कवरी किसने किया था न्यूटन अंकल ने बताया था कि स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल लाइट में पाए जाते हैं अच्छा अब उन्हीं पार्टिकल अगर साथ में आ जाए तो उन्हें फोटोन कहते हैं क्या कहते हैं फोटोन कहते हैं अच्छा ये फोटोन के बारे में किसने बताया था तो फोटोन के बारे में प्लैंक्स ने बताया था अच्छा इसका कोई फॉर्मूला भी दिया होगा हाफ फॉर्मूला दिया था एक्वल टू एच न्यू जो मैंने आप पीछे लिखा हुआ है ओके सर हो गए सर ठीक है सर ठीक है अंडरस्टूड ना चलो तो बेसिक बातें हो होगी बेटा अब आ जाओ यहां से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है ठीक है द द चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर

में, ठीक है इन नाइनटीन नॉट फाइव नाइनटीन नॉट फाइव उन्नीस सौ पांच में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था ओके okay. अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या कहा गया है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ठीक है यह होता है जैसे कि मान लो जैसे कोई मेटल सरफेस है जैसे कि बेटा कोई मेटल सरफेस है दिस इज अ काइंड ऑफ मेटल सरफेस एनी मेटल सरफेस कोई मेटल सरफेस है ठीक है बेटा और हमें पता है हमें पता है कि मेटल सरफेस हो मतलब जो होता है उसके में आयंस रहते हैं क्या रहते हैं आयंस ठीक है और वो इलेक्ट्रॉन्स के आयंस रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है चाहे मैं हूं चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग चीज है अगर वो एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो बॉडी आपको दिखाई नहीं देगा जिस दिन मेरे अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगा मेरा एन, मेरा बॉडी आपको दिखाई नहीं देगा ठीक है मेरा बॉडी आपको दिखाई दे रहा है मतलब मेरे पास एनर्जी है या कोई भी चीज अगर आपको अगल बगल दिखाई दे रहा है मतलब उसके पास अभी भी एनर्जी है किसी ना किसी फॉर्म में ठीक है ओके एनर्जी के के दुनिया भर फॉर्म होते दुनिया भर का फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है तो ये कोई मेटल है और हमें पता है मेटल में क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन है फिलहाल इलेक्ट्रॉन है मजे कर रहे हैं है। मजे समझते हो अपनी दुनिया में मस्त मजा मजा कर रहे हैं मजा 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 अब मजा 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 खच देखो यहाँ पर सब सब इलेक्ट्रॉन बच्चा पार्टी सबके सब मजा ले रहे हैं सबके सब सब मजा ले रहे भाई चिपकू आंदोलन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं चिपकू आंदोलन कर रहे हैं आज हक डे तो नहीं आ <laughs> चिपका आंदोलन कर रहे हैं सबके साथ सब चिपक रहे हैं तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब क्या बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आपस में चिपके हुए हैं बॉन्डेड स्ट्रांगली बॉन्डेड। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे ठीक है अच्छा लेकिन हमने ये दोस्ती तुड़वाना है तो मैं क्या करूंगा इस मेटल सरफेस को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लेके जाऊंगा सन्नी भाई के उजाले में लेके जाऊंगा तो इसको लेकर गया और हमने सन्नी भाई के उजाले में रख दिया दिस इज सन्नी भाई दिस इज अवर सन्नी भाई सन्नी भाई आ गया भाई ठीक है और सन्नी भाई का काम क्या आपको पता है लाइट मारना हर डायरेक्शन में तो सन्नी भाई का लाइट ऐसे 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 आएगा कहां आ रहा होगा इस मेटल सरफेस के ऊपर आएगा अब जब सन्नी भाई का जो लाइट है लाइट समझते बेटा लाइट मतलब रेडिएशन लाइट मतलब रेडिएशन जब सन्नी भाई का लाइट जो आपका लाइट रेडिएशन है जब ये मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन मजे वाला जिंदगी बिता रहे थे उनकी दुनिया में आग लग जाएगा यस उनकी दुनिया में आग लग जाएगा और वो क्या हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे पहले तो चिपकने का मजा कब आता है ठंडी में और भागना कब रहता है गर्मी में गर्मी में कोई चिपकता नहीं भाई साहब ठीक है कॉर लगा के पढ़ा करो मैं लेक्चर ठीक है गर्मी में कोई चिपकता नहीं है ठंडी में कोई छोड़ता नहीं है, ठीक है सबसे ज्यादा चिपकू आंदोलन ठंडी में होते हैं हाँ, ठीक है तो भाई चिपकू आंदोलन पहले चल रहा था लेकिन मैं इसको गर्मी में ले आया हाय रे गर्मी बहुत खतरनाक गर्मी में लाया वो भी सन्नी भाई गर्मी तो भाई हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सन्नी की गर्मी में लेकर आ गया इस मेटल को तो जैसे इस गर्मी में आया तो जो इलेक्ट्रॉन चिपके हुए थे उनका बॉन्ड क्या होने लगा टूटने लगा बॉन्ड वीक होने लगा और इलेक्ट्रॉन की दुनिया में आग लग गया आग मतलब अनस्टेबल हो गए और उस अनस्टेबिलिटी में क्या होगा भागा भागी होगा कैसा देखो ऐसा, ऐसा दिखेंगे तब देखो अब मैं केस टू दिखा देता हूं जब भागा भागी होगा यहां हीट डेवलप होगा हीट यहां पर बनेगा जब हीट बनेगा तब क्या होगा क्या होगा भाई क्या होगा क्या होगा भाई क्या होगा मेटल है ये आपका सन्नी भाई है तो ये क्या हो जाएंगे बेटा जब लाइट आएगा लाइट जब आएगा तो इनकी दुनिया में आग लग जाए खचा 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 अब इधर उधर भागने लगे भाई बहुत से बहुत सारे हैं लेकिन भाग रहे हैं कोई भी एक पैटर्न में नहीं है कोई भी एक पैटर्न में नहीं है कोई भी एक पैटर्न में नहीं है देखो भाई साहब ऐसा हो गया है कंडीशन पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है क्या होने पे हीट आया तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गए क्या हो गए बड़ा इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल ड्यू टू हीट हीट किससे आ रहा है लाइट से लाइट मतलब ड्यू टू हीट रेडिएशन हीट मतलब रेडिएशन से आ रहा है क्योंकि तो सन्नी भाई के धूप में गर्मी रहता है <laughs> तो हीट को मेटल के जो इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भागा भागी हो जाता है और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो बीक रहते हैं वो सरफेस को छोड़ रहे हैं ठीक है मैं तो, चला अपने देश राम राम। हम तो चले अपने गांव सबको राम राम हो देखो भाई क्या हो रहा है देखो यहां पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाई भाग रहा है इलेक्ट्रॉन भगाड़ू हो गया है ठीक हाँ। है भाग रहा है क्यों भाग रहा है हीट के वजह से ठीक है और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं दिस फिनोमिना दिस फिनोमिना फिनोमिना इस कॉल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोपी मतलब मानो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक तो अंग्रेजी में तो कैसा होगा? Electron, मतलब electron का भागना द इमेजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहां से भाग रहे बेचारे मेटल सरफेस द इमेजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस कब भागते हैं

तो इन कोल्ड प्लेस में क्या होता है पता है कोल्ड प्लेस में इलेक्ट्रॉन बहुत खतरनाक वाला बॉन्ड बना लेते हैं इतना खतरनाक इतना खतरनाक कि वो आपके टूटने पे भी नहीं टूटेंगे ठीक है बहुत खतरनाक प्यार बढ़ जाता है मतलब समझ लो बहुत डेंजरस वाला कुछ भी हो जाए भाई उन लोग आपस में चिपके रहेंगे ठीक है चाहे आकाश नीचे आ जाए और धरती ऊपर चले जाए लेकिन चिपके रहेंगे उन लोग किसमें इन कोल्ड ठीक है गै? चिपका चिपका आंदोलन जो होता है ना चिपका चिपकी का बहुत खतरनाक स्टेज पर रहता है इनको छोड़ने का मन नहीं करता है लेकिन अगर इनको हटाना है तो इनकी दुनिया में आग लगा दू, ठीक है तब भाई इन लोग भागेंगे गर्मी हायरे गर्मी ठीक है तब इन लोग छोड़ेंगे जैसे आपको पता है कोई जो ब्लैक स्मिथ होता है लोहार लोहार जब क्या करता है वो मेटल को सेप देके अलग अलग क्या बनाता है बनाता है अलग अलग चीजें बनाता है इंस्ट्रूमेंट बनाता है तो वो कब क्या करता है वो कोल्ड मेटल पे कभी स्ट्राइक नहीं करता है वो किस पे स्ट्राइक करता है पहले उसको हीट करता है हीट करके उस मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को वीक कर देता है जिसके बाद वो क्या करता है हैमर से तो स्ट्राइक करके फिर जो चाहता है वो सेप उसको दे देता है क्योंकि जब हीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन वीक हो जाता है फिर मेटल कमजोर पड़ जाता है फिर उसके साथ जो करना है कर लो ठीक है लेकिन अगर कोल्ड में है तो आप थक जाओगे लेकिन वो नहीं थकेगा आप ठोकते थोकते थक थक जाओगे ना ठुकाते ठुकाते थकने वाला नहीं है समझ में आ रहा मतलब में कुछ असर ही नहीं आएगा आर गेटिंग माई वंस समझ रहे हो चलो तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया ऐसा समझाया कि आप भूलना मत ठीक है कभी भूलना मत चलो ठीक है एक चीज और बता देता हूं ठीक है कुछ मेरे बच्चों के लिए जो यहां पर

या बोल दो कि भाई ये तो भाई हमारे वाला टाइप का एग्जाम्पल अजिल ने दिया है जिसका हमें इंतजार था जिसका हमें था इंतजार चलो बता देता हूँ तो मैं क्या बताने जा रहा हूं कि आपके जहां आप रहते हैं वहां पर कोई एरिया बच्चा पार्टी और उस एरिया में आपके जहां रहते उस एरिया में कोई भोजपुरी का रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है चलो आज भोजपुरी तो अगर बहुत लोग नहीं जानते होंगे चलो ठीक है अरिजीत सिंह का कोई कंसर्ट होने वाला है कोई बड़ा सा मेगा प्रोग्राम होने वाला है अरिजीत सिंह ठीक है ठीक है वो गाना गाने वाले हैं या नेहा कक्कर गाना गाने वाली है या कोई भी अरमान मलिक गाना गाने वाले हैं ठीक है कोई भी बंदा मान लो या फिर मान लो यो यो हनी सिंह गाना गाने वाले हैं जो भी आपका फेवरेट स्टार उसको बुला लो आपकी मर्जी बुला लो पैसा थोड़ी जा रहे हैं ठीक है बुला लो और उसका शो देखने के लिए आप पहुंच गयो मान लो जिस बंदा जो बंदा आ रहा है आपके एरिया में गाना गाने जिसका प्रोग्राम है उस उस आपके एरिया में उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है बहुत लोग उसको पसंद करते हैं तो जब वो जब लोगों ने सुना कि ये आने वाला है सपोज अपना हनी सिंह आने वाला है यो यो हनी सिंह अपना हनी सिंह आने वाला है तो हनी सिंह के बहुत से फैन है उसको देखने के लिए सुनने के लिए इतनी पब्लिक आ गई तो गिर कहीं कहीं गिरेगा इतना जगह नहीं है इतना खचाखच भरा है ठीक है एकदम गंदा भीड़ है भाई साहब क्योंकि पब्लिक फट्टे आई है अपने स्टार को देखने के लिए अब उसी बीच में मतलब पब्लिक भाई एक्साइटेड है हनी सिंह देखने कोई ऐसा देख रहा है कोई ऐसा देख रहा है कोई ऐसा देख रहा है मतलब सब एक्साइटेड है और सब खचा खच भरे गर्मा गर्मी से उसी में किसी ने बोल दिया है भाई यहां बम है यहां बम है बम 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 भागो 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 ठीक है मतलब बम के नाम पर भाई वहां भगदड़ हो गया मतलब भागने लगे उस भागा भागी में क्या होगा जो कुछ लोग कमजोर रहेंगे जो कुछ छोटे रहेंगे ठीक है कोई पतले रहेंगे जो छोटे हाइट में ऐसा कुछ तो रहेंगे या कमजोर रहेंगे वो लोग भगदड़ में किसी ना किसी के पैर के नीचे आ जाएंगे और बेचारे ऐसा भी हो सकता है उनका टिकट भी कट सकता है आ, मैं तो जा रहा हूँ लाइक दैट टाटा बाय बाय खत्म मैं गया मेरा टिकट आ गया भगवान ने मुझे पसंद कर लिया ठीक है तो उस भगदन में कुछ लोग मर जाते हैं कौन बचता है जो लंबा चौड़ा रहता है वो कैसे बचता है ए हट रे, हट रे, ए हट 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 ऐसे करके आप अपने को बचा लेकिन जो कमजोर रहता है आ, गिर जाता है खत्म टाटा बाय बाय तो वैसे यहां पर देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ने भीड़ मचाया हुआ है सन्नी भाई का बम आ गया है बम का नाम सुनते इनकी दुनिया में भगदड़ मच जाता है और इस में जो कमजोर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सरफेस छोड़ के भाग जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मजबूती से टिके रहते हैं भाई थारा भाई झुकेगा नहीं थारा भाई हटेगा नहीं ठीक है जब तक है जान तो कुछ इलेक्ट्रॉन टिके रहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई होप आपको समझ में आया होगा चलो चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बार बार बात किया है ना इसलिए मैं थोड़ा टाइम देकर हम आपको समझा दिया हूं क्योंकि चैप्टर में ज्यादातर यही ही है अब इसका हमें क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान देते हैं इसके लिए क्या कर बड़ा एक आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है ना तो ध्यान दो यहां आप सबसे पहले एक ऐसा आपको क्या करना ग्लास चेंबर लेना है ग्लास चेंबर में ऐसे एक ओपन डोर रखना है ओपन विंडो रखना है और यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या करना पता है यहां पर और यहां पर दो प्लेट लगाना है एक प्लेट का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड दो अलग अलग फोटो सेंसिटिव प्लेट होते हैं जो चार्ज को क्या करते हैं एक इमिट करता है तो एक कलेक्ट करता है ठीक है और यहां अपने सन्नी भाई के प्रेजेंस में लफड़ा कर रहे हैं हम लोग तो उसके बाद में क्या किया इस ग्लास चेंबर को हमने क्या किया बेटा इसको हमने सर्किट के साथ सेटअप कर दिया दिस इज अ सर्किट ये हमारा सर्किट है नीचे सर्किट है ऊपर हमारा क्या है ग्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं होगा क्या व्हाट विल बी हैपन है क्या लफड़ा होने वाला है यहां पर जब सन्नी भाई के प्रेजेंस में आएगा तो सन्नी का जो रेज है सन 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 ले सन रेज सन का लाइट का जो किरण है सन रेज लाइट रेज बोल सकते हो लाइट रेज लाइट रेज ओके तो जो लाइट रेज है गाइस वो लाइट रेज जब इसके अंदर आएगा तो जो आपका कैथोड का जो प्लेट है कैथोड प्लेट वो क्या होता है इमीटर होता है क्या होता है बेटा इमिटर होता है ठीक है तो जब लाइट आएगा तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अनस्टेबल होकर इस सरफेस को छोड़ेंगे छोड़ के ऐसे से लोग भाग रहे हैं देख रहे भाग रहे हैं भाग 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 बाग बिके 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 भाई समझ रहे चलो तो भाग के ये कहां चिपकते भाई यहां से भागते हैं और यहां चिपकू आंदोलन कर लेते हैं ये कलेक्ट कर लेता है ये एनोड है ये एरा एनोड है एनोड ये कलेक्टर होता है कलेक्टर ये छोड़ता है तो लेता है आहा आ जा आ जा तो बुला लेता है तो कलेक्ट कर लेता है कलेक्ट करने के बाद अब ये जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा ये रहा है ना तो ये यहां से सर्किट के माध्यम से ऐसे सर्किट में आ जाएगा और करंट फॉर्म हो जाएगा इसके वजह से जो करंट डेवलप होता है उसे फोटो करंट कहते हैं क्या कहते हैं फोटो करंट क्या कहते हैं बेटा फोटो करंट कहते हैं वाई फोटो करंट सर फोटो क्या होता करंट समझ में आ गया सर करंट समझता है फोटो क्या होता है बेटा जी यहां पे मैंने सन्नी भाई लिया है और ये सन्नी भाई रेज मार रहे किसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस में क्या है बेटा यहां पर चार्जेस हैं पार्टिकल्स हैं और जब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें फोटोन कहते हैं आपको पता चला मैंने बताया था ग्रुप ऑफ जब ग्रुप में पार्टिकल्स रहते हैं चार्ज पार्टिकल तो जब लाइट पार्टिकल्स आता है तो ये मेटल के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है तो इसके जो फोटोन पार्टिकल है ग्रुप ऑफ पार्टिकल यहाँ पर फोटोन पार्टिकल है फोटोन एनर्जी है, है तो इसके वजह से क्या होता है यहाँ गर्मी पैदा होता है तो इसके जो फोटोन पार्टिकल है वो इस लाइट के वजह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो फोटोन पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ने लगते हैं जो कमजोर पार्टिकल रहता इसे है इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो किसके लगाया गया फोटोन पार्टिकल्स के लिए लगाया है क्योंकि तो लाइट रेज से फोटोन पार्टिकल सर किसी भी सरफेस को क्या करते हैं डिस्टर्ब कर देते हैं अगर वो उसके फेवरेबल सपोज तो सरफेस है तब मेटल वगैरह है जिसके पास दुनिया भर के पार्टिकल्स रहते हैं एक्सेस रहते हैं तो वो पार्टिकल रहते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं वो सरफेस को इमिट कर देते हैं इमेजन कर देते हैं और छोड़ के टाटा बाबे कर लेते हैं ठीक है तो इसलिए हम फोटो कहते हैं फोटो किससे लिया गया फोटोन से लिया गया है तो फोटोन पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ लाइट आ रहा है तो इसकी जो ये प्लेट दिख रहा है यह प्लेट यहाँ यह दिख रहा है ये प्लेट दिख रहा है यहाँ प्लेट है यहाँ पर एक प्लेट लगा है तो इस प्लेट के ऊपर जो फोटोन पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फोटो पार्टिकल डिस्टर्ब होकर ऐसे करंट बनते हैं तो इसलिए फोटो करंट कहते हैं क्या कहते है? फोटो करेंट। फोटो करेंट हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो करंट बोलो फोटो करंट या बोलो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ऐसे? तो यहां से चार्ज आ जाते हैं फिर चार्ज इस, इस सर्किट के माध्यम से क्या होने लगते हैं फ्लो करने लगते हैं ठीक है तो इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन से देखो ये आपका फोटो जो फोटोन है यहाँ पर फोटोन से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इससे चिपका चिपकी करके फिर से चार्ज के फॉर्म में करंट बना रहे हैं हैं तो इसके अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन फ्री उन्हें कहते फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और ये जो चार्ज के फॉर्म में फ्लो करके करंट डेवलप करते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं क्या कहते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ठीक है थीके? तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सनलाइट का इस्तेमाल करके किसका इस्तेमाल करके सनलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग करंट को डेवलप कर सकते हैं जिसे आपने सुना होगा सोलार पैनल ठीक है सोलार पैनल जानते हो ना सोलार सेल तो सोलार पैनल सोलार सेल जो होता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं सोलार एनर्जी सोलार करंट को क्या करते हैं डेवलप करते हैं ठीक है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने आपको बताने की कोशिश की है ऐसे ही किया जाता है लगभग ठीक है तो ये ध्यान दीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करके हम लोग यहाँ पर करंट डेवलप कर रहे हैं अंडरस्टूड जिसके लिए हमने क्या लिया ग्लास चेंबर लिया है ग्लास चेंबर में दो प्लेट लगाए एक कैथोल लगाया एनोड लगाया ग्लास चेंबर में दो हमने ओपन हमने यहाँ पर ओपन विंडो रखा जहां से लाइट रेज आता है जिसके वजह से इसके ऊपर डिस्टर्बेंस आता है और उसका जो फोटो आ, फोटोन एनर्जी रहता है डिस्टर्ब होकर इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट कर देता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते, करते कलेक्टर ए के पास आ जाते हैं जो एनोड होता है कलेक्टर होता है तो उसको करंट में तब्दील करके सर्किट में फ्लो कराने लगता है ये आपका सेटअप है, है है, ठीक समझा? अब इसी को मैंने अंग्रेजी में झाड़ा देखो, इस चीज हेल्प ऑफ लाइट हम लाइट का, लाइट? लाइट का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं करेंट मारे करंट बनाने वाले हैं और उस फिन को हमने क्या नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया है ठीक है और जो हम यहां से लाइट का इस्तेमाल करके करंट जो बनाएंगे वो किस इफेक्ट से बनाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके बनाएंगे ठीक है चलो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ क्लोज चेंबर ऑफ विंडो एक हम क्या करते हैं विंडो लेते हैं कांच का ठीक है और उसके अंदर हम क्या करते हैं उसके बाद उसके अंदर हम लोग दो प्लेट लेते हैं दो प्लेट लेते हैं एक आपका कैथोड रहेगा एनोड रहेगा ठीक है, रहे है और उसको बाद में क्या करेंगे उसके बाद हमने एक सर्किट से एसी सर्किट से क्या कर दो कनेक्ट कर दो ठीक है सर्किट में कनेक्ट करके वहां पर एक माइक्रोमीटर भी लगा दो जो क्या करता रहेगा कितना करंट बन रहा है उसको मेजर करता रहेगा ठीक तो है तो माइक्रोमीटर लगा दो माइक्रो क्यों लगाया क्योंकि बहुत ज्यादा करंट नहीं बनता है छोटा करंट बनता है ठीक है इसलिए माइक्रोमीटर लगा दो बड़ा अगर अमाउंट ऑफ करंट आता है तो अमीटर लगा जाता है छोटा अगर करंट फ्लो कर रहा है कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए माइक्रोमीटर भी इनफ रह जाता है इसलिए माइक्रोमीटर लगाया जो करंट को मेजर करेगा चलो ठीक है सर कहाँ लगाए एक बार दिखा दो सर देखो यहाँ पर लगाया माइक्रोमीटर लगाया गया जब करंट फ्लो करता है तो करंट कितना बन के फ्लो कर रहा है उसको हिसाब किताब करने के लिए यहां माइक्रोमीटर लगाया गया है साथ में पर पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया गया है जो बताए जो करंट को सर्कुलेट होने में क्या करेगा मदद करेगा ठीक है बैटरी रहता है जिसको सर्कुलेट करने में क्या करेगा मदद करेगा चलो आगे हा उसके बाद यहां पर देखो वेन लाइट ऑफ लाइट ऑफ थ्रेसोल्व फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन सरफेस द इलेक्ट्रॉन लिमिटेड करोड पर क्या बताया गया डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन लिमिट होंगे और किसके पास जाए कलेक्टर के पास जाएंगे और फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे करंट बनाना चालू कर देंगे ये चीज को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया कहा गया भाई कहा गया, गया? गया कितने गया हाँ हाँ यहाँ पर यह आपका है ये ठीक है ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यूज हेयर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट वहां पोटेंशियल डिफरेंस का भी इस्तेमाल किया बी का इस्तेमाल किया देखा होगा आपने सर्किट में जो करंट को फ्लो करने में क्या करता है हेल्प करेगा ठीक है उसको थोड़ा पावर देगा बूस्ट करेगा चलो उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज हेयर टू सर्कुलेट सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट स्टॉपिंग पोटेंशियल टू सर्कुलेट सुबल इलेक्ट्रॉन इन दर्किट यहाँ पे इस्तेमाल इस करेंगे इस्तेमाल करेंगे कभी कभी क्या हो जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्लेट से इमिट uh, होता है और कलेक्टर के पास पहुंच जाता है तो कलेक्टर उतना एनर्जी को एक साथ एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है तो वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया जाता है जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को होले 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 क्या करता है कलेक्टर के पास भेजता है और उसके बाद क्या करता है कलेक्टर से सर्किट में आ जाता है ठीक है तो वो क्या करता है मैनेज करता है आराम आराम से जाओ गर्दी नहीं करना है सबको मौका मिलेगा ठीक है सबको मौका मिलेगा तो उसको क्या करता है मैनेजिंग करता है व्यवस्था करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल अगला द फ्लो ऑफ करेंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन ठीक है यहां पर क्या होता है द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इफेक्ट बन रहा है किससे बना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने से उसे क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं ठीक और और मतलब कितना इमिट वो किस पे करता है जैसे कि ऊपर देख लो यहां पर कहा गया भाई देखो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां प्लेट से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा कम निकलेगा ज्यादा निकलेगा बहुत ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते कितना निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि लाइट कितने फ्रीक्वेंसी से इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा ज्यादा स्ट्राइक करेगा बहुत तेज फ्रीक्वेंसी के साथ तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन लिमिट होकर कलेक्टर के पास पहुंचेगा ठीक है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो इस तरह से बेटा जी हमने क्या कर दिया प्रैक्टिकल को सुहा कर लिया मतलब आपका एक्सपेरिमेंट डन हो गया आज अगला वर्क फंक्शन बेटा वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन पर वर्क फंक्शन और थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी दोनों चीजों को मैं आपको बता देता हूं ठीक है वर्क फंक्शन को डिनोट करते डब्ल्यू नॉट से ठीक है और थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते न्यू नॉट से किससे न्यू से आपके बुक में डब्ल्यू नॉट लिया होगा या फिर फाइव नॉट दिया होगा ठीक है ये या फिर यह सिंबल दिया होगा तो यह वर्क फंक्शन का सिंबल होता है ठीक है अब मैं बताता हूं ये दोनों होता क्या है ध्यान सुनो एक है वर्क फंक्शन और एक है थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा ठीक है प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर समझाता हूं मैं आपको अब सन्नी भाई देखो यहां पर हमारा मान हमारा काम क्या है सन्नी भाई का काम है कि इससे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना तो सन्नी भाई कितना वर्क करेंगे मतलब कितना मिनिमम एनर्जी सन्नी भाई का आना चाहिए यहां से मिनिमम कितना एनर्जी आए मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी यहां से सन्नी भाई की तरफ से सन्नी भाई की तरफ से मिनिमम कितना एनर्जी इसके ऊपर पड़े जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ दे वही होता है वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा वर्क फंक्शन अगर इसको अंग्रेजी में झाड़ू तो क्या हो जाएगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर भागने के लिए भगाने के लिए सन से कितना एनर्जी इस पर लगेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां डिस्टर्ब होकर सरफेस को छोड़ दें और उसे को हम कहते हैं वर्क फंक्शन देखो यहां पर मैंने अंग्रेजी में लिखा है बगा, वर्क क्या होता एनर्जी होता है बेटा? आपको पता है? है? है. क्या होता होता और एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी का फॉर्म मैंने बताया था एनर्जी क्या बताया था E इक्वल टू एच न्यू शुरुआत में ही बताया था फोटोन एनर्जी ठीक है तो वर्क के देखो एनर्जी मतलब वर्क तो एनर्जी पे वर्क कर देते हैं तो new, तो इक्वल टू एच न्यू, ठीक है? आपका फॉर्मूला तो के लिए क्या होगा यहाँ पर नॉट लगा दो तो मिनिमम वर्क ठीक है नॉट और यहाँ पे भी नॉट लगा दो नॉट मत लगाओ एच के साथ नॉट मत लगाओ क्यों क्योंकि ये कांस्टेंट है कौन सा कांस्टेंट है तो आपका ये बनेगा मतलब वह मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करे सरफेस को छोड़ दे तो सेम कहते हैं वर्क फंक्शन ठीक है जैसे कि मान लो आपको मैं फिलहाल मान लो यहां पर सपोज गाइस मैं फिलहाल में हूं थाना थाना वेस्ट में और मुझे यहां थाना वेस्ट से बोरीवली आना है कहा जाना बेटा बोरीवली ठीक है तो मैं मिनिमम कितने रुपए में वहां पहुंच सकता हूं मिनिमम पंद्रह रुपया या मिनिमम पचास रुपया या मिनिमम सौ रुपया तो वह मिनिमम अमाउंट जिससे मैं वहां पहुंच जाऊंगा वो मेरा क्या हो गया मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया फ्रॉम थाने टू बोरीवली तो वैसे यहां पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस छोड़ना है तो उधर कितना एनर्जी दिया जाए तब जाके वहां से भागेगा ठीक है तो वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वर्क फंक्शन होता है ठीक है चलो अगला Threshold frequency क्या होता है? ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू हीट सरफेस हीट हो जाए और हीट होके सरफेस को छोड़ दे तो वह मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहला जाता है थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता है तो ध्यान दो बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ

रिलीज कर दे अपने सरफेस से तो उसे कहते हैं थ्रेसॉल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है न्यू न्यू नॉट नॉट ठीक है है तो ये यहां पर फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर रहा इंडिकेट कर रहा है क्योंकि वर्क कब तक नहीं होगा जब तक वहां से लाइट रेडिएशन नहीं आएगा लाइट रेडिएशन आएगा किसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ, साथ आएगा तभी वहां पर एनर्जी फॉर्म होगा एनर्जी फॉर्म होगा तब काम होगा और तो काम होगा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के भागेगा तो उसमें भी थ्रेसॉल रहेगा लेकिन तो मैं थ्रेसॉल को आपको साइड में बता दिया थ्रेसोल मतलब होता है फ्रीक्वेंसी थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जो फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पे पड़ते ही मेटल को गर्म कर दे और जैसे ही मेटल गर्म हो जाए इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ को टाटा बाय -टा बाय कर दे मैं तो चली मैं चली लड़की ऐसा कहती ना चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चलो गाइस अगला हमारा है छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है गाइस ये वाला और डेरिवेशन है नहीं बाकी जो ऊपर देखा वो एक्सपेरिमेंट था ठीक है चलो आप पानी पीता तब तक उसको रीड करो जब तक मैं पानी पीता हूँ तब तक आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लो फ्रॉम हियर टू हियर अच्छे से मन लगा के रीड आप लोगों ने क्या आप लोगों ने रीड किया चलो आइंस्टीन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऐसा आपके बुक में टाइटल है ठीक है ये टाइटल ऐसा भी आ सकता है और ये टाइटल ऐसा भी आ सकता है कैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा नहीं आइंस्टीन फोटो इक्वेशन ये ऐसा भी आ सकता है ऑप्टन एन एक्सप्रेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऐसा भी पूछ सकता है और जो भाई दिया है तो तो पूछेगा ही ठीक है चलो यह है क्या सर आइंस्टीन को जानते हो? अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने क्या किया था फोटो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन बनाया था किसका इक्वेशन बनाया था इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन बनाया था ठीक है तो इक्वेशन क्या था वो इक्वेशन मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है आइंस्टीन इक्वेशन ठीक है पाने के लिए हम आइंस्टीन की कुछ बातें सुनेंगे आइंस्टीन ने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वेन द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड देयर कानेटिक एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फोटोन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन मतलब यह स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से देख के ठीक है ये आप ध्यान दीजिएगा याद कर लीजिएगा आइंस्टीन ने क्या बोला था गाइस आइंस्टीन ने आइंस्टीन ने क्या बोला था आइंस्टीन ने बोला था कि पीछा जाते आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टेन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन ने क्या बोला था आइंस्टीन ने बोला था कि जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन पड़ता है तो वह क्या हो जाता है कि जो मेटल के ऊपर फोटोन एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू वॉट काइनेटिक रेडिएशन क्योंकि रेडिएशन लगातार उसके ऊपर पड़ रहे हैं तो काइनेटिक रेडिएशन की वजह से जो वहां पर मेटल के ऊपर जो फोटोन एनर्जी है मेटल का डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उससे क्या होने लगते हैं इमिट होने लगते हैं ये बताया था मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था एक्सप्लेन किया था जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है अभी बताया था मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भूल जाना तो याद करे रंगारंग कार्यक्रम आपका फेवरेट स्टार आपके मोहल्ले में भागा भागी बम कुछ लोग मरे कुछ लोग गए टाटा बाय बाय खत्म याद आया तो उसी चीज को अंकल ने एक्सप्लेन किया है अंकल ने बताया था एक इक्वेशन दिया तो इक्वेशन याद करे ना जब काइनेटिक एनर्जी पड़ता है लाइट का तो जो फोटोन एनर्जी रहता है ठीक है एनर्जी वो क्या हो जाता है बेटा वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है और वर्क फंक्शन के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है वर्क फंक्शन के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है जब लाइट का रेडिएशन कंटिन्यूस मोशन करते हुए इन द फॉर्म ऑफ कानेटिक एनर्जी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है तो मेटल के ऊपर जो फोटोन एनर्जी रहता है डिस्टर्ब हो जाता है जिसके वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो वर्क फंक्शन करते हुए बाहर निकल जाता है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा बाहर जाता है तो एनर्जी आपको पता होना चाहिए हाफ एम बी स्क्वायर होता है फोटोन एनर्जी क्या H new होता है बेटा एच न्यू होता है मैंने आपको बताया था फोटोन एनर्जी स्टार्टिंग में ही और वर्क फंक्शन भी सेम होता है लेकिन ये न्यू नॉट रहता है ठीक है तो ऐसा इक्वेशन बन गया तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच कॉमन ले लो तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया ठीक है अच्छा कभी कभी बहुत ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन आ जाता है तो उस रेडिएशन को रोकने के लिए कानेडिक एनर्जी के मोशन को रोकने के लिए वहां क्या लगाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा देते हैं तो इसके जगह पे और करके हम लोग इसके जगह पे ईवी नॉट का इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ईवी नॉट इक्वल टू एच New minus, new ये इसके पे इसके जगह जगह पे पे जो एनर्जी हमारा क्योंकि तो क्या होता है, half square होता है। आप रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा देते हैं समझा आपको जिससे आराम आराम से इलेक्ट्रॉन क्या मतलब क्या होता है रेडिएशन वहां पर होता है तो ये हमारा इक्वेशन है यही इक्वेशन आपका ये इक्वेशन यहां खत्म कर दो यह इक्वेशन यहां पर भी खत्म कर सकते थे यह आपका क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है इलेक्ट्रॉन है? मतलब है एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट मतलब थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी है एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है और बी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख के दे देता हूं इलेक्ट्रॉन नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो जो फ्लो को थोड़ा क्या करता है होले होले करता है आराम आराम से कराता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसके बाद एच क्या बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है इसी बहाने भाई आपको बता देता हूं याद कर लीजिएगा सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री होता है इंटू टेन द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड होता है ठीक है न्यू क्या होता है बेटा न्यू फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नॉट क्या होता है न्यू नॉट क्या होता है गाइस न्यू नॉट क्या होता है यह होता है थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी सर इस फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो सकता है यह फ्रीक्वेंसी हमेशा मिनिमम रहता है सरफेस जिसके, जिसके का, का चार्ज और इलेक्ट्रॉन को इमिट करने लगे उसे थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी कहते हैं ठीक है थीके? तो ये मैंने सबका डाटा आपको दे दिया और यही आपका इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ठीक है आई होप चलो तो आप क्या करना यहां से यहां तक अच्छे से रीड कर लेना और उसके बाद जो मैंने बताया वो कर लेना ठीक वही चीज़ है वही चीज मैंने जो आपको बताया वही चीज यहां बताया गया ठीक है कुछ बड़ा चीज नहीं पे एग्जाम में आपको दो नंबर के लिए आएगा आ जाओ वेब पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेब पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है अभी आपके बुक का टॉपिक दिया गया ठीक है आपके बुक का टॉपिक है तो इसको पढ़ते हैं बेटा पता है है लाइट लाइट के बारे में जो होता उस कैसा बिहेव करता है लाइट को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रो रेडिएशन कहते हैं क्या कहते हैं बेटा लाइट को हम लोग इलेक्ट्रो रेडिएशन कहते हैं क्या सर आप अपने मन से बोल रहे हो नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैं कह रहा हूं ये मैक्सिमल एंकल ने प्रूव कर दिया था कि लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन तो लाइट तो रेडिएशन है है सबको पता और लाइट जो होता है दो तरीके से बिहेव करता है एक एक आपको पता पता होना होना चाहिए चाहिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वेव नेचर को हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं और पार्टिकल नेचर को पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं सबको समझा ये ध्यान दीजिएगा आगे जाते हैं इसके अंदर ऑफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही आपका क्या बड़ा वेब पार्टिकल ड्यूवालिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें बताना क्या था बताना यही था कि लाइट का नेचर क्या है तो लाइट का दो नेचर है एक होता है पार्टिकल नेचर एक होता है वेव नेचर और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल दैट सेट ठीक है इसके हम थोड़ा सा डिटेल में अंदर जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि इसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको वो थोड़ा बता देता हूँ अगर आप वेव नेचर पढ़ना चाहते हैं वेव थेरी नेचर ठीक है लाइट का तो क्या होना चाहिए बेटा लाइट प्रोपरकेट इन द फॉर्म ऑफ वेव बीच कन्फर्म बाय सिंगल लाइट सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक है मतलब हम सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगा सकते हैं कि लाइट वेब फॉर्म में क्या करता है ट्रेवल करता है अगर हमें फॉर्म में नोटिस करना है देखना है देखना अपनी आंखों से देखना है वेब नेचर तो उसके लिए हमें दो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अंडरस्टूड और नॉट इसका करके हम क्या कर सकते हैं वेब नेचर ऑफ लाइट को देख सकते हैं अंडरस्टूड और नॉट

क्या कर सकते हैं लाइट का पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ठीक है अंडरस्टूड नॉट पार्टिकल पार्टिकल अगर अगर देखना देखना है देखना है नेचर हमें लाइट का तो उसके लिए हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आप कर सकते हो इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट या कॉम्पटन इफेक्ट कर सकते हो या ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला भी कर सकते हो उसके अंदर भी पार्टिकल मैटर ठीक है इस तरह से आप इसको कर सकते हो अगर आपको देखने का मन करे तो अच्छा एग्जाम में आएगा तो कहां से कहां लिखना है अगर एग्जाम में आपका दो नंबर के लिए आता है ठीक है गाइस अगर दो नंबर के लिए आएगा तो ध्यान देना यहां पर यहां से लेके यहां तक लिख देना खत्म अगर तीन नंबर के लिए आ जाता है ये इसको एक्सप्लेन कर लेंगे तो यहां से लेके पूरा लिख देना यहां तक लिख देना यहां तक लिख देना ठीक है आपको कैसे लिखना आपको पता होना चाहिए आज और लास्ट डी ब्रॉगलिज हाइपोथेसिस डी ब्रॉगलिज हाइपोथेसिस ठीक है ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा डी ब्रॉगलीज है डी हाइपोथेसिस थेसिस का मतलब क्या होता है का मतलब होता है डी ब्रॉगली कौन थे साइंटिस्ट थे ये तो बंदा है साइंटिस्ट थेसिस का मतलब होता है रिसर्च री सर्च ठीक है रिसर्च और हाइपो मतलब विदाउट एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपेरिमेंट डी ब्रॉगली ने बिना एक्सपेरिमेंट किए कुछ रिसर्च किया था ठीक है आपको पता होना चाहिए डी ब्रॉगली ने विदाउट एक्सपेरिमेंट बिना प्रैक्टिकल बिना सबूत के वैसे मन में ख्याल आया बता दिया ठीक है ऐसा कुछ डी ब्रॉगली के साथ हुआ था मतलब माइंडेड बंदा था उसने सोचा उसको लगा मेरा सोचना सही है और उसको उसने लोगों को बताया हालांकि उसके पास कुछ उसका एविडेंस नहीं था उसके मन में ख्याल आया और उस ख्याल को उसने शेयर किया ठीक है पढ़ते पढ़ते वो पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था मतलब डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा था उस समय क्या होता रिसर्च करना पड़ता कुछ ना कुछ तो उस समय सोचते सोचते उसने बताया कि ऐसा होगा शायद ऐसा हो सकता है और उस पर वो कॉन्फिडेंट था ऐसा नहीं कि बोल के तुक्का मार के भाई गायब हो गया वो कॉन्फिडेंट था मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा मेरा दिल बोल रहा है ऐसे ही होगा ठीक है तो डी ब्रॉगली पढ़ते समय ऐसा बोले नाइनटीन नॉट फाइव के आसपास किया उसे बा, बात की बात है और बोले कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है मतलब कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ठीक है कोई रिसर्च किया था और उस रिसर्च को वो बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा तो आप अब तक ये नहीं समझ पाए सर वो कौन सा रिसर्च किया था जिसके बारे में बात कर रहे हो वो रिसर्च किया था मैटर वेव कौन सा रिसर्च उस रिसर्च का नाम क्या था मैटर वेव मैटर वेव मतलब मैटर भी क्या हो सकता है वेव हो सकता है मैटर भी वेव हो सकता है बस इतना ही बताया था उसने उसने कुछ नहीं किया उसने बोला मेरे को लागे से मुझे लग रहा है कि मैटर भी वेव होना चाहिए तो लोगों ने बोला क्यों बोला होना चाहिए तो लोगों ने बोला भाई क्यों उसने बोला होना चाहिए अरे <laughs> भाई लेकिन क्यों तेरे को क्यों लग रहा है तो उसने बोला जब पार्टिकल जब पार्टिकल वेव हो सकता है ठीक है पार्टिकल वेव हो सकता है तो मैटर वेव क्यों नहीं हो सकता किसने डी ब्रॉगली ने बोला पार्टिकल इज अब फॉर्म पार्टिकल क्या होता है वेव होता है पता है आपको पार्टिकल हमेशा फ्लो करता रहता है ठीक है और कोई चीज फ्लो करे मतलब तो वेव हो गया मतलब मोशन करे पार्टिकल हमेशा मोशन कर सकता है तो पार्टिकल वेव उसने बोला जब पार्टिकल उसने क्या बोला लॉजिक देखो डी ब्रॉगली ने क्या बोला डी ब्रॉग्ली ने बोला कि जब पार्टिकल मैटर हो सकता है ठीक है तो भाई मैटर वेव हो सकता है तो लोगों ने बोला भाई ये कैसे तो उसने है उसने बताया रुको बताओ तो, मैटर किससे बनता है तो लोगों ने बोला पार्टिकल से और पार्टिकल क्या है वेव है तो मैटर भी वेव हुआ ना तो लोगों ने बोला हाँ यार क्या तूने गहराई में जाके भाई लिए फिजिक्स की तो बोला हा ना मेरे को पता है इसी होगा तो उस समय वो पीएचडी कर रहा था दीप रॉगली अब ऐसा बोल के अपने प्रोफेसर की दुनिया में आग लगा दिया और प्रोफेसर चिंता में आ गए ये क्या बात कर दिया इसने और प्रोफेसर उतना माइंडेड तो थे नहीं उसके लेबल के तो प्रोफेसर किसके पास गए आइंस्टीन के पास गए आइंस्टीन आइंस्टीन जब आँश्टीन के पास बात पहुंची कि एक डी नाम का लड़का है डी डी ब्रॉय ब्रॉय उसका नाम ब्रौग था ब्रोगली बोलते हैं हम लोग लेकिन उसका नाम डी ब्रॉय था ठीक है लिख देता हूं मैं उसका अबियल नाम ऐसा था डी ब्रॉय डी ब्रॉय

तभी आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है तो उस समय डी ब्रॉगली ऐसे ही कुछ रिसर्च कुछ रिसर्च और कर रहा था, था कि उसके मन में ख्याल आया। एक दो साल हुआ था पीएचडी कर, तो और, और, और जब प्रोफेसर कंफ्यूज हुए बेटा तो किसके पास गए आइंस्टीन के पास गए से पूछते नाम का लड़का हमारे कॉलेज में बोल रहा है मैटर भी वेव हो सकता है अब आप ही बताओ आप तो भाई सबके स्वामी हो जैसे कि आपने देखा होगा जब देवता लोग टेंशन में आ जाते हैं, तो किसके पास जाते हेल्प लेने के लिए भगवान महादेव के शरण में जाते हैं देवों के देव महादेव अब आप ही हमारा कुछ भला करो जय श्री राम जय भोलेनाथ उनके पास जाके मांगते सॉल्यूशन प्लीज हेल्प अस गॉड हम लोग ट्रबल में हैं प्रोफेसर आइंस्टीन के अंकल के पास गए आइंस्टीन ग्रेट साइंटिस्ट तो अंकल ने बोला उस लड़के की बात में दम है मुझे भी लग रहा है उसकी बात में दम है और ये सही है तो डीव अंकल ने वहां से क्या कर दी आइंस्टीन अंकल ने वहां से हरी झंडी दे दी जाओ उस बच्चे को डॉक्टरेट की उपाधि दे दो लड़का पास हो गया और उसको मेरे पास भेज दो मेरे साथ काम करने के लिए क्योंकि लड़का टैलेंटेड लग रहा है भाई तो भाई प्रोफेसर लोग जाके डी रॉगली को गुड न्यूज देते हैं भाई तू तो डॉक्टर बन गया तो सर्च रिसर्च हो गया ठीक है सक्सेसफुल हो गया आइंस्टीन अंकल ने झंडी दे दी है तो यस तो उसने इसको प्रूव किया था अगर दुनिया में बात चली कि मैटर वेव के बारे में किसने बताया था तो बोलना ने बताया था नहीं, तो एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है? है है, समझा, समझा? कहानी चलो, तो मतलब मतलब क्या मतलब उसका वो है, equation, equation हमें देखना है। I hope कि आपको अंदर की कहानी समझ में आ गई, ठीक है? चलो, अब मैं आपको इसका इक्वेशन बता देता फिर खत्म हो जाएगा। नेचर है जब यहां पर लाइट जब लाइट पार्टिकल्स बन सकता है लाइट क्या होता है लाइट 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 पार्टिकल्स ठीक है लाइट जब पार्टिकल्स बन सकता है तो मैटर भी क्या हो सकता है वेव बन सकता है। उसने बताया मतलब उसने ये बताया उसने बताया उसने बताया मैं आपको आम भाषा में बताता हूं आम भाषा आम भाषा समझते हो इजी लैंग्वेज ध्यान दो इसने क्या बोला डीप्रॉगली ने बोला कि जब पार्टिकल जब पार्टिकल ठीक है पार्टिकल वेव हो सकता है ठीक है क्योंकि लाइट देखो लाइट क्या होता है लाइट किससे बना होता है पार्टिकल से लाइट होता है लाइट पार्टिकल से और पार्टिकल्स क्या करते हैं मूव करते हैं मतलब वेव के फॉर्म में रहते हैं जब लाइट पार्टिकल्स होते हुए वे, वेव फॉर्म हो सकता है तो वैसे ही वैसे ही क्या भाई आगे बताओ जो मैटर होता है वो भी वेव हो सकता है ये कौन बता रहा है ये कौन बता रहा है डी ब्रॉगली बता रहे समझा रहा है कैसे पार्टिकल किससे देखो मैटर देखो मैटर यहां बात मैटर की है मैटर जो होता है सभी मैटर चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो सबके अंदर क्या रहता है पार्टिकल्स रहते हैं सब पार्टिकल से बने रहते हैं

लेकिन डी ब्रॉगली ने समझा दिया उसके बाद दुनिया मानने लगी कि मैटर भी वेव हो सकता है ठीक है चलो अब डी ब्रॉगली क्या बोलते हैं एवरी मूविंग पार्टिकल देखिए सब लोगों ने बोला सब लोगों ने जो तो पार्टिकल तो मूव करता है अपने आप इसलिए वो वेव है मैटर अपने आप वेव कहा मतलब अब कैसे मूव करता है ठीक है अनुश्रो नॉट तो उसने तो वेव कैसे होगा तो उसने बोला जैसे कि मान लो अब उसने बोला आपको मोमेंट चाहिए ना मोमेंट बताता हूं पार्टिकल मोमेंट करता है तो मैटर भी मोमेंट करता है उसने बताया तो लोगों ने बोला कैसे तो उसने बताया देखो उसने बताया मान मान लो लो कोई कोई मालो मैटर है और उस मैटर के पास मास है और वह बी वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है और यहां से यहां तक उसके बीच का वेवलेंथ है कुछ दूरी तय किया होगा ठीक है

और मोमेंट uh, हमेशा पार्टिकल के नीचे रहता है तो मैटर के बारे में जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था क्योंकि कोई बंदा है इसके पास मास है बंदा मतलब मैटर है जिसके पास मास है और उस मास के साथ एक विलो, मास के साथ बेलॉसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक वेवलेंथ क्रिएट कर रहा है डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो उसने क्या किया वेवलेंथ भी सर्च किया और यहाँ पर मोमेंटम भी सर्च किया वेवलेंथ किसके अंदर होता है वेव के अंदर होता है और मोमेंटम पार्टिकल के नीचे हो, अंदर, मतलब पार्टिकल्स के अंदर होता है इस तरह से उसने ये दो चीज ढूंढ दिया कि मैटर में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है तो जैसे लाइट दो नेचर को डील करता है कौन सा लाइट जैसे लाइट जो लाइट के अंदर क्या होता है लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर मैंने आपको बताया था ना और, और कौन सा वेव नेचर होता है वैसे ही मैटर के अंदर भी वेव और पार्टिकल नेचर होता है उसने बता दिया मतलब उसने बहुत सा काम कर दिया था ठीक है गाईस? चलो तो वो तो सब ध्यान मत दो क्योंकि आप हाँ फिलहाल रिसर्च करने जा रहे हो बस इतना ध्यान दो आ, कि उसने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ऐसा इक्वेशन तैयार किया था और उसके बाद क्या किया था गाइस उसके बाद उन्होंने आल्सो किया था आल्सो क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है ठीक है क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है हमको पता है

इंटू मास मिल जाएगा ठीक है तो ये मोमेंटम का वैल्यू मिल गया और मोमेंटम के उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं पता है इस इक्वेशन में डाल सकते हैं यहाँ पर मोमेंटम की जगह पे यहाँ डाल सकते हैं तो आपका नया इक्वेशन बन जाएगा ऐसा रूट टू के इलेक्ट्रॉन मास और कनेडिक एनर्जी को रोकने के लिए कौन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जो मैंने आपको बताया था आइंस्टीन इक्वेशन बताया था तो कनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं ई वी नॉट ई वी लिख सकता हूँ तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो

पार्टिकल नेचर वेव नेचर वैसे मैटर के पास भी दो नेचर होता से होते हैं है, बस यही बताना है आपको जैसे लाइट में दो नेचर होता है पार्टिकल एंड वेव का वैसे मैटर में भी दो नेचर होता है दो तरह से एक्ट करता है किसका पार्टिकल एंड वेव का ये आपको पता होना चाहिए बस यही है और कुछ नहीं ओके? और यहां पर आपको बोलूंगा थैंक यू इस तरह से हमने चैप्टर का कह के ले लिया भाई चैप्टर खत्म अब मैं थोड़ा आप लोग से बातें कर लू फिर मैं टा -टा टा करूंगा आपको एक सेकंड गाइस थोड़ा सा मैं आप लोग का चैट देख लू बिकॉज मैंने देखा नहीं काफी टाइम से हो वन सेकंड गाइस थोड़ा सा बातें हो जाए आपसे इसके बाद टाटा बाय बाय हो मोबाइल ओपन हो गया है थोड़ा तो टाइम लगा लेकिन हो गया सो चैप्टर कैसे पहले मुझे बताओ चैप्टर कैसा था चैप्टर कैसा लगा चैप्टर कैसे लगा गाइस? चैप्टर कैसे लगा जल्दी जल्दी लौकर लौकर गाइस चला सांगा लौकर सर मस्त था मस्त था अमेजिंग सर क्या बात है सर हलवा था बहुत हार्ड हउुआ था एकदम मस्त ऑल इज क्लियर झक्कास चिंदी अमेजिंग ऑल क्लियर इजी अमेजिंग झक्कास गुड प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आएंगे प्रॉब्लम आएगा आपका बताता हूँ फोर्टी फाइव मार्क्स के प्रॉब्लम रहेंगे फिफ्टी फाइव मार्क्स का थ्री रहेगा ठीक है टोटल आउट ऑफ हंड्रेड की बात कर रहा हूँ हंड्रेड परसेंट में फिफ्टी फाइव परसेंट थ्री रहता है फोर्टी फाइव परसेंट आपका प्रॉब्लम्स रहता है ठोको जो नया नया चैनल पे पहले ठोको जरा गाइस ठोको यार 500 कम से कम मजा आएगा इस चैप्टर मजा आएगा इस चैप्टर में मजा आएगा प्लीज टेल हाउ द चैप्टर चैप्टर पढ़ के कैसा लगा आप लोग को हाउ वॉज द चैप्टर प्लीज रिप्लाई फास्ट रिप्लाई फास्ट वेटिंग फॉर रिप्लाई गाइस आई वॉन्ट डू नो ओपिनियन आपका बताइए कैसा? कैसा ना गाइस एंजॉय मस्त था चैप्टर हलवा नया इजी बेस्ट ओके गाइस तो चैप्टर बहुत अच्छे से मैं कह के लिया गाइस You can see that? Yes. ठीक है ठाक थैंक यू फॉर योर लेक्चर्स फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लेक्चर खत्म जरूर करके जाना आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक के लिए बाय फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए टाटा बाय बाय गाइस अच्छा लगा तो ठोको और कमेंट करके जाना बाय बाय